आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शक्ति वंदन अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। माननीय विधायक और विधान परिषद के माननीय सदस्यगण और प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अभी एक पक्ष पूरा भी नहीं हुआ है कि यह शक्ति वंदन अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उसका एक कार्यक्रम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी पूरे प्रदेश भर से आए होंगे और बाहर से भी प्रतिनिधि आए हैं। एक अवसर है जब पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम की ओर आकर्षित हो रही है, तो आप सब भी अयोध्या धाम का दर्शन अवश्य करेंगे। इसके लिए हमारी टीम व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और कोई समस्या होगी तो उसके बारे में अवगत करा देंगे। तो वहां की सारी व्यवस्था दर्शन की और प्रभु राम लला के दर्शन करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो, यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए। वास्तव में 500 वर्षों के उपरांत एक लंबी लड़ाई और संघर्ष के उपरांत, तपस्या और साधना के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सिद्धि प्राप्त हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह केवल प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं है, भारत की लोक आस्था और जन विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा है, भारत के पुराने गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभियान है और इसकी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अयोध्या का यह कार्यक्रम पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चलाए गए कार्यक्रमों के अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, 9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अभियान चले। उन सभी अभियानों का केंद्र बिंदु व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा नहीं था। उनका केंद्र बिंदु एक विराट था। अगर लेना है तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम व्यक्ति को नहीं इसमें कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी मत और मजहब विशेष के लिए नहीं, हमें किसी की तुष्टि नहीं करनी है बल्कि संपूर्ण समाज की संतुष्टि के अभियान के साथ हमें आगे बढ़ना है। और संपूर्ण समाज की संतुष्टि का आधार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनी, आज वे योजनाएं 22 जनवरी के कार्यक्रम की आधारशिला बन गई है, जो राम राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का हिस्सा है। राम राज्य की कल्पना तो हम जब करते हैं इसी बात को लेकर करते हैं ना, कि जिसमें कोई अभाव ना हो, भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो। और पिछले 9-10 वर्षों के अंदर देश के अंदर योजनाओं का लाभ जिस रूप में प्राप्त हुआ कोई कल्पना करता था कि गरीबों के लिए आवास मिलेंगे, 4 करोड़ गरीबों के आवास बने देश के अंदर बिना भेदभाव के, और उनमें से ज्यादातर का मालिकाना अधिकार महिलाओं के हाथों में है। प्रदेश देश के अंदर आपने
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हुए शौचालय 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, यानी इतने परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। नारी गरिमा तार तार होती थी, लेकिन आज उनके पास अपने घर में व्यक्तिगत शौचालय भी है, हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी है। सदियों से चली आ रही व्यवस्था, एक गरीब का जहां पर आवास है उस आवास का मालिकाना अधिकार उसको नहीं प्राप्त होता।